स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 7 की एंडिंग नेटफ्लिक्स के सभी शोज की वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग में से एक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सीजन 4 एपिसोड 7 के लास्ट सीन के बाद ही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की स्टोरी कंटिन्यू हो, जहां पर एल हॉकिंस लैब से कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के ऑलमोस्ट 3 साल बाद सीजन 4 का पार्ट 1 या वॉल्यूम 1 अपने पहले 7 एपिसोड के साथ कल रिलीज हुआ और ऐसी ऐसी डिटेल्स रिवील हुई जिससे पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी ही चेंज हो गई। सीजन 4 वॉल्यूम 1 के एपिसोड्स बहुत ही लंबे एपिसोड्स थे और अगर ये वीकली रिलीज किए जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। सीजन 4 स्टोरी वाइज बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड थोड़े स्लो लगे और अलग अलग जगह पर होने वाली स्टोरीज से प्लॉट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, लेकिन एपिसोड 6 आने के बाद बहुत सी चीजें क्लियर होती गई और 1 घंटे 40 मिनट के लास्ट एपिसोड ने स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी को क्लियरली बता दिया। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत से प्लॉट डिटेल्स हैं जो हमें सीजन 4 वॉल्यूम 2 या पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे और उस पर मैं इसी वीडियो में आगे बात करूंगा। पहले एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की एंडिंग को। एंडिंग को इजीली समझने के लिए सीजन 4 की स्टोरी को मैं जल्दी से समझा देता हूँ। तो इस सीजन की स्टार्टिंग से ही हमें यह दिखाया जा रहा था कि 11 ने हॉकिंस लैब के सभी बच्चों को मार दिया, लेकिन एंड में हमें पता चला कि ऐसा नहीं था और उन सब बच्चों को नंबर 1 ने मारा था। और अगर आपने मेरी 8 महीने पहले स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 प्रेडिक्शंस की वीडियो को देखा होगा तो वहां पर मैंने पहले ही आपको बताया था कि नंबर 1 हमें इस बार देखने को मिलेगा। और साथ में उसी वीडियो की इस प्रेडिक्शन के साथ और भी कई थ्योरीज एकदम सही निकली। और अगर ऐसी प्रेडिक्शन थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। बढ़ते वीडियो में आगे। स्ट्रेंजर थिंग्स में एट ए टाइम अलग अलग स्टोरीज एक साथ चल रही थी। हॉकिंस में डस्टिन, लूकस, मैक्स, नैंसी, रॉबिन और स्टीव अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे और कैलिफोर्निया में जोनाथन, माइक और विल अपनी इन्वेस्टिगेशन में। वहां दूसरी तरफ जॉइस और मरी हॉप को बचाने में लगे हुए थे और हॉप रशिया में सर्वाइव करने में लगा हुआ था। और लास्ट 4 एपिसोड्स में 11 अपनी पावर्स को वापस लाने में लगी हुई थी। इन सभी मल्टीपल स्टोरी लाइन से ये स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी थी, लेकिन ये सभी स्टोरी लाइन्स एंड में एक साथ कनेक्ट होंगी और वो कनेक्शन हमें लास्ट एपिसोड्स में भी दिखा। वैसे ये मल्टीपल स्टोरीज और प्लॉट लाइन्स का हिंट स्ट्रेंजर थिंग्स के पोस्टर में भी दिखा था। इस पोस्टर में हमें क्लियरली ये दिखता है कि अलग अलग स्टोरीज पर ये सीजन चलेगा और वैसा ही हुआ। इस पोस्टर में सबसे नीचे 11 थी जो कि अपनी पावर्स ढूंढने में लगी है। उसके बाद राइट साइड में हॉप, जॉयस और मरी थे जो कि रशिया में है। सबसे ऊपर वाली इमेज में हॉकिंस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेफ्ट साइड जोनाथन, विल और माइक अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। इसी सीजन में डॉक्टर ब्रेनर की भी वापसी हमें देखने को मिली। स्ट्रेंजर थिंग्स के स्टार्टिंग के सीजन्स में वो एक विलन की तरह दिखाया गया, लेकिन सीजन 4 में डॉक्टर ब्रेनर ने 11 को उसकी पावर्स लाने में हेल्प की। हालांकि अभी भी 11 की पावर्स पूरी तरह उसे वापस नहीं मिली है। 11 की पावर वापस लाने का स्ट्रगल भी इस सीजन का एक मेन प्लॉट लाइन था। वैसे ब्रेनर जिंदा कैसे है उसकी एक्सप्लेनेशन शायद हमें वॉल्यूम 2 में देखने को मिलेगी। ब्रेनर 11 से बार बार यही कहता है कि उसे अपनी पावर्स लाने के लिए अपनी छुपी हुई मेमोरीज को वापस लाना पड़ेगा और वो छुपी हुई मेमोरीज थी कुछ सालों पहले हॉकिंस लैब में क्या हुआ। ऐसा करने के लिए ब्रेनर और उसकी टीम ने 11 को पानी में रखा और पुरानी सीसीटीवी वीडियो फुटेज उसे दिखाई गई ताकि उसकी मेमोरीज वापस आए और इससे ब्रेनर और उसकी टीम को सक्सेस भी मिली, जहां पर 11 ने अपनी मेमोरीज को फिर से रिलीव किया और सब कुछ उसे धीरे धीरे याद आने लगा। फिर हमें पता चलता है कि 11 की हेल्प उसी लैब में एक पीटर नाम का आदमी कर रहा है और फिर वो धीरे धीरे उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और बाद में उसे हॉकिंस लैब से बाहर निकालने के लिए भी हेल्प करता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी सीन्स 11 की मेमोरीज हैं और ये पास्ट के सीन्स हैं जब 11 छोटी थी और 11 उन्हीं मेमोरीज को याद कर रही है। इन सभी मेमोरीज के हेल्प से हमें 11 की ओरिजिन स्टोरी भी पता चली, जो कि डायरेक्टर्स और राइटर का बहुत ही एक अच्छा तरीका था ताकि स्टोरी भी कंटिन्यू रहे और हमें 11 के पास्ट के बारे में भी पता चले। फिर इस सीजन का सबसे बड़ा रिवील ये होता है कि पीटर जो कि उसकी मदद कर रहा था वो असली में नंबर 1 था और उसने 11 से झूठ बोलकर अपना ट्रैकर बाहर निकलवाया था ताकि वो अपनी पावर फिर से यूज करे और सबको मार दे। और ऐसा ही हुआ, नंबर 1 की पावर वापस आते ही उसने सभी टेस्ट सब्जेक्ट बच्चों को मार दिया, लेकिन 11 ने सब कुछ देख लिया था। फिर जब नंबर 1 11 को मारने वाला था तब छोटी 11 ने फुल पावर्स यूज करके नंबर 1 को हरा दिया और अपसाइड डाउन का गेट ओपन करके नंबर 1 को अपसाइड डाउन के अंदर भेज दिया। अब मैं छोटी 11 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ 1983 से पहले हुआ था और तब की 11 बहुत छोटी थी, जैसा कि हमें सीजन 1 में दिखाया था। यानी कि ये सीजन 1 के कुछ टाइम पहले की स्टोरी है और ना कि 1986 की, जब 11 बड़ी हो चुकी है। और यही मेन कन्फ्यूजन कई लोगों को था कि क्या ये स्टोरी 1986 में चल रही है या फिर पहले। उसके बाद ये रिवील हुआ कि नंबर 1 अपसाइड डाउन में तो चला गया था बट मरा नहीं था, बल्कि वो वेकना बन चुका था और यही सीजन 4 की एंडिंग में हमें क्लियरली दिखा दिया गया। और फिर यही वेकना मॉन्स्टर 1986 में लोगों को मार रहा है और उनकी पावर्स एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन नंबर 1 की स्टोरी इतनी ही नहीं है,
पीटर या फिर नंबर वन की स्टोरी हमें नैन्सी वाले सीन में एक्सप्लेन की गई, जिससे पूरी की पूरी स्टोरी ही घूम गई। नैन्सी के थ्रू हमें ये देखने को मिला कि विक्टर क्रील अपनी दो बच्चों और बीवी के साथ नए घर में आया था और विक्टर का बेटा पीटर था जो कि बाद में नंबर वन बना था। और ध्यान देना कि विक्टर क्रील अपनी फैमिली के साथ 1959 में इस घर में गया था। पीटर बचपन से ही अलग था, उसके पास पावर्स थी और धीरे धीरे उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखा और वो डेंजरस बनता गया। और फिर उसने अपनी माँ को भी मार दिया और फिर उसे यंग डॉक्टर ब्रेनर ने हॉकिंस लैब में लिया। और फिर उसने पीटर की पावर्स को स्टडी करना शुरू किया और उस पर एक्सपेरिमेंट करने भी शुरू किए। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से डॉक्टर ब्रेनर ने बाकी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए ताकि उन बच्चों में भी पीटर जैसी ही पावर आए। और इन्हीं बच्चों में से एक थी 11। और यही पीटर जब बड़ा हुआ तब मौका पाते ही उसने सभी को मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर फाइनली 11 ने उसे रोका। लेकिन नंबर वन को रोकने के लिए 11 ने अपसाइड डाउन का गेट खोला था और वही नंबर वन वेकना बना। पीटर या नंबर वन की स्टोरी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाया गया है और स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन लास्ट दो एपिसोड्स में बहुत ही अच्छी तरह से सभी प्लॉट्स और टाइमलाइंस को जोड़ा गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सीजन 4 एपिसोड 7 के लास्ट सीन के बाद ही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की स्टोरी कंटिन्यू हो, जहां पर एल हॉकिंस लैब से भागी थी और विल अपसाइड डाउन में गया था। लेकिन एपिसोड 7 की एंडिंग में हमें यह भी दिखा कि नैन्सी अब अपसाइड डाउन में फंस चुकी है और वहां नैन्सी को अपनी पुरानी दोस्त बार्ब भी दिखी। अब आपको तो पता ही होगा कि बार्ब नैन्सी की गलती से मरी थी और इस चीज का गिल्ट नैन्सी को अभी तक हो रहा है, और इसी गिल्ट का फायदा उठाकर वेकना ने नैन्सी को ट्रैप कर लिया। नैन्सी बाहर कैसे आएगी ये हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। वैसे वो बाहर आएगी भी या नहीं इस पर भी डाउट है। वहां विल, माइक, जोनाथन और आर्गाइल बाकियों को कब और कैसे मिलेंगे ये भी अगले पार्ट में पता चलेगा। और वहां जॉयस, हॉप और मरी रशिया से वापस कैसे आएंगे ये भी अगले सीजन में पता चलेगा। वैसे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स थे जो इस पार्ट के पहले 7 एपिसोड्स में हमें देखने को नहीं मिले, जैसे कि हॉपर का ये फ्लेम थ्रोवर वाला सीन, डस्टिन का ये वाला सीन, एडी का गिटार बजाने वाला सीन जो कि अपसाइड डाउन में था, और यही सीन्स अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे। और सीजन 4 पार्ट 2 का सबसे बड़ा शोडाउन होगा 11 और नंबर 1 या वेकना का फेस ऑफ, जिसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सीजन 4 का पार्ट 2 आएगा 1 जुलाई, जहां पर हमें सीजन 4 के लास्ट दो एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 या वॉल्यूम 2 में हैं तो सिर्फ दो ही एपिसोड्स, बट एपिसोड 8 है 1 hour 38 minutes का और सीजन 4 फिनाले एपिसोड 9 है 2 hours 30 minutes का, जो अब तक की सभी नेटफ्लिक्स सीरीज में सबसे लंबा एपिसोड होगा। वैसे इतना ही नहीं, सीजन 4 के बाद अगले साल सीजन 5 भी आएगा जो इस सीरीज का सीजन फिनाले होगा। सीजन 4 पार्ट 2 में क्या क्या होगा उस पर थ्योरीज और प्रेडिक्शन वीडियो में जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा, और हमेशा की तरह आप भी अपनी सीजन 4 पार्ट 2 की थ्योरीज और प्रेडिक्शंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।